हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। दोस्तों, आपके सामने ये जो ब्यूटीफुल सा प्लांट है, इसको बोलते हैं चाइना पाम, यानी कि फ़ैन पाम से भी इसे नाम से जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं अपने घर पे लगाने पे, गार्डन पे लगाने के लिए। इसकी काफ़ी डिमांड भी रहती है नर्सरी पे। आप देखेंगे कि कोई भी जो बिगनर गार्डनर है, अगर वो पाम से स्टार्ट कर रहा है, इंडोर वैरायटी की जो प्लांट्स है वो लगाना चाहता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में दो ही प्लांट आते हैं। सबसे पहले एरेका पाम या तो फ़ैन पाम। तो इसके बारे में दोस्तों काफ़ी बार मेरे से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेरी आती है कि आप इसके ऊपर जो ऑल अबाउट केयर बनाइए, इसकी कैसे केयर करना है, इसको कैसे लगाना है, इसका पॉट सिलेक्शन कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी अगर लगे तो आप अभी से एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले तो इसको फ़ैन पाम क्यों बोला जाता है, फ़ैन पाम की बात आती है। तो अगर आप इसका ओवरऑल स्टाइल और इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, लुक देखेंगे, तो आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये पूरा फ़ैन जैसा दिखता है। जैसा फ़ैन आता था ना, हैंडल फ़ैन जिसको पहले यूज़ करते थे आप लोग, तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। कई बार जो है इसको मार्केट में यूज़ भी किया जाता था पहले, दोस्तों पहले के टाइम पे इसको जब पूरा ड्राई कर लेते थे इसके लीफ को, तो इसकी लीफ को यहाँ से पूरा कट करके एक फ़ैन के इसको शेप में देकर मार्केट में सेल किया जाता था। हो सकता है तब से इसका नाम जो है फ़ैन पाम पड़ गया हो। वैसे पाम की वैरायटी में दोस्तों ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, और अगर दूसरी आप वैरायटी करोगे तो थोड़ा सा आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ जाती है। जैसे रेका पाम वगैरह हैं, लेडी पाम वगैरह हैं, थोड़ा सा केयर ज़्यादा करनी पड़ जाती है। बट अगर मैं इस प्लांट की बात करूँ, इस पाम की बात करूँ, तो ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। केयर थोड़ा सा करनी पड़ती है, बट इतनी नहीं कि आपको पूरा टाइम जो है इसी में फोकस करना पड़े। नॉर्मल दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से ये आपके गार्डन कंडीशन में ग्रो कर जाता है। इसकी सबसे मेन ब्यूटीफुल बात ये है कि ये जो है काफ़ी मल्टीपल दोस्तों इसमें जो है इसमें लीव्स आती हैं, क्योंकि एक लीफी प्लांट है और ज़्यादातर ये बेस्ड रहता है अपनी ब्यूटी पत्तियों के कारण ही, इसलिए इसको लगाना पसंद करते हैं। क्योंकि ग्रीनरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लिए। अगर ग्रीनरी नहीं रहेगी, समर्स के टाइम में आप देखते हो कई बार जो फ्लॉरिंग प्लांट्स लगाते हैं, फ्लॉर नहीं आते हैं, पर उस टाइम जो है कुछ प्लांट जो ग्रीनरी रहती है उसको देख के आपको कितना अच्छा लगता है। तो ये प्लांट जो रहते हैं इंडोर, अगर आप लगाते हैं कुछ समय के लिए फिर उसको बाहर निकाल देते हैं, तो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चलते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराते हैं, तो काफ़ी इनके जो है मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। ये जो काफ़ी एक साथ जब लीव्स निकालता है तो काफ़ी बुशी, काफ़ी भरा भरा लगता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप इसे ग्राउंडेड कर देते हैं तो इसकी हाइट जो है दोस्तों 6 से 7 फुट या 8 फुट तक चली जाती है, धीरे धीरे ग्रो करते करते। और अगर अपने प्लांट पे आप इसको पॉट पे शिफ्ट किए हैं, छोटे से पॉट पे 10 से 12 इंच के, तो इसकी जो हाइट है मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम मैं यही बोलूँगा कि 4 से 5 फीट तक ही जाती है। तो ये मैं कहूँगा कि आपके गार्डन पे लगाने के लिए सफिशिएंट रहेगा इतनी हाइट। इससे ज़्यादा अगर आप हाइट एड चाहते हैं तो फिर और बड़े आप गमले पे उसे या पॉट पे शिफ्ट करते जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों, ये 4-5 साल से मेरे साथ है, और आपके साथ अभी मैं इसकी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। टाइम नहीं लगा, या और भी मैं दूसरे प्लांट की आपके साथ शेयर करता था वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात कर लूँ अगर इसके सॉइल मीडिया की, तो देखिए सॉइल मीडिया आपको ऐसी रेडी करनी है, 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लेनी है। इसमें 30% के करीब जो है आप थोड़ा सा सैंड यूज़ कीजिएगा। सैंड अगर इसमें रहेगी तो काफ़ी ये पसंद करता है दोस्तों, थोड़ा भुरभुरी जो रहती है वो यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद 20% आप इसमें काउडंग कंपोस्ट यूज़ कर लीजिएगा। तो इस सॉइल मिक्सचर में जो है आपका ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। अगर आप चिपचिपी मिट्टी यूज़ कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा प्लांट जो है इसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी तो ये काफ़ी पानी में भीगा हुआ प्लांट है, सॉगी हो गया है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। फिर भी आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल रहा होगा बड़े बड़े स्टोन के यहाँ पर ये टुकड़े पड़े हुए हैं, तो ये काफ़ी भुरभुरी मिट्टी रहती है। इसलिए मैं जब भी इसमें पानी देता हूँ तो आराम से इसका पानी जो है जितना इसको चाहिए, उसके बाद ये पानी ओवर ड्रेन आउट कर देता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है। अब मैं अगर इसको यहाँ से इसकी बात करूँ, देखिए तो इसमें थोड़ा बहुत ना थ्रोन्स भी होते हैं, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या कोई पेट्स वगैरह हैं तो थोड़ा सा दूर रखिएगा इसको, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ रहते हैं, लग सकते हैं। तो अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इसमें यही है। बात मैं करूँ अगर पॉट सिलेक्शन की, तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया है कि छोटा सा अगर आपका प्लांट है तो आप 10 से 12 इंच में लगाइए स्टार्टिंग में, फिर आप उसके हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, प्लांट की हाइट के हिसाब से पॉट को बढ़ाते जाइए, तो वो जो है आपका प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा।
दूसरी मैं बात करूँगा दोस्तों इसमें वाटरिंग की। तो जैसा कि अभी टाइम चल रहा है दोस्तों मानसून का, तो मानसून में तो अगर आप इसे ओपन एरिया में रख देते हैं तो काफ़ी ये खुश रहता है, काफ़ी अगर ये भीगता है नहाता है तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है और इसकी जो लीव का साइज़ होता है ना और ग्रो होता है। तो आप इसको थोड़ा सा बाहर रख दीजिए कंडीशन में अगर आपने अंदर रखा हुआ है रेनी सीज़न में। वाटरिंग की मैं बात कर रहा था, तो देखिए वाटर इसको इतना ही चाहिए जितना इसकी रिक्वायरमेंट हो। ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ये प्लांट जो है हो सकता है कि रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाए, ख़राब हो जाए। वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, पर फिर भी जो है किसी भी चीज़ के लिए एक्सेसिव कोई भी ज़्यादा चीज़ अगर आप खाना ही खाते हो, ज़्यादा खा लेते हो, तो वो आपके लिए सही नहीं होता। इसलिए इसकी जो वाटरिंग आपको करनी है लिमिटेड वाटरिंग करनी है, थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा तो प्लांट काफ़ी खुश रहता है। दूसरी बात दोस्तों मैं बताऊँ इसकी लीव्स की, जब आप लेके आएंगे तो लीव्स काफ़ी छोटे छोटे रहते हैं साइज़ में, आपको लगेगा नहीं कि ये इस साइज़ में तक भी जाएंगे या इससे बड़े भी जाएंगे। तो जैसे ही आप कंपेयर कर सकते हैं नीचे की, अगर मैं आपको लीव्स दिखाऊं, तो देखिए नीचे की लीव्स दोस्तों जो है कितनी छोटी साइज़ की हैं, और ये बड़े बड़े होते होते जब ये और निकलते जाते हैं बीच सेंटर से इसकी जो ग्रोथ आती है, अगर इसमें आपको मैं दिखाऊं तो देखिए ये ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों, ये आपको सेंटर की ग्रोथ दिख रही होगी, यहाँ बिल्कुल ये निकल के आएगा और ये फिर अच्छे तरीके से पूरा खिल जाएगा। तो ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ का आता है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं मेरे हैंड के अकॉर्डिंग ये कितना बड़ा है। तो ये जो है धीरे धीरे करके ऐसे ग्रो करता है। साथ ही साथ दोस्तों जो इसकी लीव की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, मैं कहूँगा कि 3 से 4 महीने या उससे ज़्यादा भी दोस्तों इसकी जो है ये लीव चल जाती हैं ये, क्योंकि काफ़ी हार्डी प्लांट है, सिक्योर पूरे तरीके से, ये पूरे लीफी पर डिपेंड है, लीफ का ही प्लांट है। तो इसकी जो लीव की जो एज रहती है, लाइफ रहती है, काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, तो ये क्या होती है ब्राउन कलर की हो जाती है लीव। अब देखिए जो साइड से थोड़ा ब्राउन होने लग गई है, जब ये पूरी तरीके से ब्राउन हो जाए तो आप जो है ना दोस्तों इसको यहाँ से कट कर दीजिए। यहाँ से कट करेंगे तो क्या होगा कि इसमें नई अगर शूट्स आ रही होगी तो निकलेगी, नहीं तो फिर इसके ये जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं यहाँ से कट करने के बाद, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, आप यहाँ पास देख रहे होंगे ना, तो ये ऊपर नीचे काफ़ी प्यारा एक जो दोस्तों लुक क्रिएट करता है। तो आप ऐसे काटेंगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। साथ ही मैं बात करूँ इसकी लाइटिंग कंडीशन की, तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लांट है थोड़ा सा इसमें फोटोसिंथेसिस बने अच्छे से, क्योंकि ये तो काफ़ी बड़ा एरिया पर रहता है तो काफ़ी अच्छी तरीके से लाइट को कैप्चर कर ही लेता है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि मॉर्निंग की सनलाइट इसमें पड़ जाए, ज़्यादा देर सनलाइट में ना पड़ा रहे या फुल डे सनलाइट में ना पड़ा रहे। अगर आप रखते हैं तो आप वहाँ से हटा लीजिए, अगर नहीं रखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। सुबह की जो है नॉर्मल सनलाइट अगर इसको मिल जाती है 4 से 5 घंटे की, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। हीट में ज़्यादा इसको मत रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा येलोश होने लगेगा या तो फिर इसके एजेस में ना बर्निंग की प्रॉब्लम आने लगेगी। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी हेल्दी प्लांट दिख रहा है, वो इसी कारण से, क्योंकि मैं इसे सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट प्रोवाइड कराता हूँ। अब बात आती है इसको प्लेस करने की, तो देखिए ये एक ऐसा प्लांट है दोस्तों कि आप इसको जो है किसी वॉल के थ्रू नहीं रख सकते हैं, ऐसे किसी वॉल के थ्रू ऐसे चिपका के नहीं रख सकते। और भी दूसरे आप प्लांट देखते होगे ना क्रैपर वगैरह की, मैं जैसे यहाँ पे ऐसे आप देख रहे होगे कि शिफ्ट कर दिए हैं, एकदम दीवार के सहारे चल रहे हैं, बट ये वाले प्लांट में क्या होता है कि चारों तरफ से दोस्तों इसके लीव्स निकल के आते हैं। तो आप जिस भी तरफ से अगर इसको दीवार की तरफ रख दोगे तो क्या होगा कि इसकी लीव्स डैमेज हो जाएंगे या स्टेम डैमेज हो जाएगी, तो वो प्लांट के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप इसको ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जो एक सेंटर पोजीशन हो आपके गार्डन एरिया की, तो उसमें क्या होगा कि चारों तरफ से अपने पत्तों को खिलाएगा, और ये जब पूरे पत्ते इसके एक तरफ से निकल के आते हैं ना, चारों तरफ से ऐसे खिल के आते हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। पर अगर आप एक जगह इसे दबा देंगे उतनी ब्यूटी भी नहीं आ पाएगी, हो सकता है कि आपकी जो है प्लांट की लीव भी धीरे धीरे करके ख़राब होने लगे, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जिस भी तरफ का सन फेस रहता है तो आप इसको हर 15 दिन में थोड़ा सा टर्न कर दिया करिए। यहाँ इस साइड आपने रखा है तो फिर क्या है इसकी सारी पत्तियाँ उधर को झुकने लग जाएंगी, इसलिए आप थोड़ा सा इसको टर्न करते रहा करिए। चलिए तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपने फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइज दोस्तों इसको आपको करना है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगर आपके अप्लाई करते हो आप अपने घर पे लेके रखे हो तो आप इसको लिक्विडली बना के दीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करता है, काफ़ी मल्टी न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं, तो आप वो दे सकते हैं इसको 15 दिन में एक बार, या तो आप जैसे अपने नॉर्मल प्लांट्स में NPK अप्लाई करते हैं NPK दे दीजिए तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता है। कंपोस्ट की मैं बात करूं तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट अगर और उसके साथ काउडंग कंपोस्ट को थोड़ा सा मिक्स करके देंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। ऊपर की जो है आप टॉप सॉइल जो है इसको थोड़ा सा निकाल लीजिए, इसके बाद इसमें थोड़ा सा कंपोस्टिंग ऐड करके फिर टॉप सॉइल से इसे दबा दीजिए,
बस इसके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि एक तरह का लीफी प्लांट है तो इसको नाइट्रोजन बेस्ड जो है कंपोस्ट काफ़ी पसंद रहती है, उससे इसकी नई नई जो है शूट्स भी निकलेंगी, नई ग्रोथ निकलेगी, प्लस इसमें जो है ग्रीन कलर वो काफ़ी अच्छा बन पाएगा, साथ ही साथ ये देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, इसकी जो लीव रहती हैं वो काफ़ी शाइनी होकर निकलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ दोस्तों इसमें पेस्ट वगैरह के अटैक की, तो जनरली इस प्लांट में कोई भी पेस्ट वगैरह नहीं निकलते हैं, क्योंकि जो थ्रोन वगैरह रहते हैं उस कारण से जिस प्लांट में आप ज़्यादातर देखोगे थ्रोन रहते हैं, कांटे रहते हैं, उस प्लांट में पेस्ट अटैक नहीं करते हैं। तो इस प्लांट में मैंने आज तक दोस्तों किसी भी तरह का पेस्ट नहीं देखा है, फिर भी मैं जो अपने प्लांट्स पर देता रहता हूँ नीम ऑयल स्प्रे या पेस्टिसाइड, तो इसमें भी कर देता हूँ एप्लीकेशन ताकि ये जो है अच्छे तरीके से ग्रो करते रहे। दूसरी मैं बात करूँ प्रोपेगेशन की, तो देखिए प्रोपेगेट ये नहीं होता है, आप इसको डायरेक्टली नर्सरी से परचेज़ करके लेके आएंगे तभी दोस्तों आप इसको अपने घर पे लगा सकते हैं, गार्डन पे लगा सकते हैं, अदरवाइज ये जो है इसके कोई बेबी पफ्स या इसकी कटिंग से ये ग्रो नहीं करता है। तो दोस्तों कुछ यही बेसिक केयर्स होती हैं चाइना पाम या फैन पाम की। आई होप दोस्तों आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी कि आपको इस प्लांट की केयर कैसे करनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक, कर दीजिएगा शेयर, चैनल पहली बार विजिट किया है तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ, तब तक लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।